हेलो दोस्तों, जीके के वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करूँगा इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए दोस्तों और वीडियो के साथ। और अभी तक स्टडी रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बीते दिनों किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बोले तो BSF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। तो वीके जौहरी को नियुक्त किया है BSF का नया महानिर्देशक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-2017 के लिए मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? तो 212 प्रति लाख है दोस्तों मातृ मृत्यु दर 2015-2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सदी के अंत तक देश की मृत्यु दर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? तो 10% वृद्धि होने की संभावना है दोस्तों, क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की घोषणा के अनुसार 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा दोस्तों 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया, इसी मौके पर कितने रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया? तो 550 रुपये का सिक्का जारी किया दोस्तों करतारपुरा कॉरिडोर के उद्घाटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही किस शहर में बाल संगम उत्सव का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये जयपुर में शुरू हुआ है बाल संगम उत्सव का 11वां संस्करण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया, जिसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही दोस्तों। अयोध्या विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे रिलेटेड, तो इसमें पहला ऑप्शन है रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों वाली पीठ फैसला सुनाया है। सेकंड ऑप्शन है संपूर्ण विवादित भूमि रामलला ट्रस्ट के हवाले की गई है। थर्ड ऑप्शन है सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ जमीन जारी की गई है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर से शुरू 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व 13 नवंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो संजय गुप्ता को नियुक्त किया है नया कंट्री मैनेजर गूगल इंडिया का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।